जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा को टाइट करने वाले इलास्टिक टिश्यू ढीले हो जाते हैं और झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। अन्य कारक जैसे ड्राई स्किन, सूरज की रोशनी, यूवीए यूवीबी किरणें के सीधे संपर्क में आना और तनाव झुर्रियों का कारण बन सकते हैं। हम सीधी धूप, तनाव से बचकर और विभिन्न औषधीय एंटी एजिंग सीरम का उपयोग करके इन महीन रेखाओं को रोक सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार भी हैं, जो इन झुर्रियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ कुछ आयुर्वेदिक उपचार दिए गए हैं जो झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। एक, चंदन और गुलाब जल। चंदन एक प्राकृतिक एस्ट्रिंजेंट है जो त्वचा को टाइट और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि गुलाब जल एक प्राकृतिक त्वचा टोनर है जो त्वचा के पीएच संतुलन और हाइड्रेशन को बनाए रखने में मदद करता है। कैसे करें इस्तेमाल? एक चुटकी चंदन पाउडर में एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं और पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और पानी से धो लें। दो, दही। दही लैक्टिक एसिड और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो त्वचा को सूत और एक्सफोलिएट करने और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। कैसे करें इस्तेमाल? अपने चेहरे पर दही की एक पतली परत लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। तीन, तुलसी। तुलसी त्वचा को नमी देती है और उसे मुलायम बनाती है। इसके एंटीसेप्टिक गुण त्वचा को संक्रमण और झुर्रियों से लड़ने में मदद करते हैं। कैसे करें इस्तेमाल? तुलसी की पत्तियों का पतला पेस्ट चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें और धो लें। चार, अश्वगंधा। अश्वगंधा कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है जो उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकता है और झुर्रियों को कम करता है। कैसे करें इस्तेमाल? सोने से पहले अश्वगंधा को घी और शहद या दूध के साथ मिलाकर सेवन करें। इसके अलावा वर्जिन नारियल तेल, जैतून का तेल या तिल के तेल जैसे प्राकृतिक तेलों से रोजाना 5 मिनट तक त्वचा की मालिश करना हेल्पफुल हो सकता है।